भारत का कोई भी नागरिक जो पीएमजे योजना का संभावित या नामांकित लाभार्थी है, आयुष्मान एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे पीएमजे लाभार्थी के रूप में आप आयुष्मान मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना ईकेवाईसी कर पाएंगे और अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लाभार्थी के रूप में लॉग इन करने के बाद आप लाभार्थी की खोज करें पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहां अपना राज्य चुनें, लागू योजना का चयन करें। चुनें कि आप किस आधार पर लाभार्थी की तलाश करना चाहते हैं। यहां हमने फैमिली आईडी का चयन किया है। फैमिली आईडी का चयन करने के बाद अपना जिला चुनें। और अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद खोजे बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपके परिवार आईडी से संबंधित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करता है। अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आपका नाम नारंगी रंग में दिखाई देगा। ईकेवाईसी करने के लिए खुद का चयन करें। प्रमाणीकरण पॉपअप दिखाई देता है। प्रमाणीकरण पॉपअप पर आप आधार का ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। जब आप आधार का ओटीपी का चयन करते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जो आपके आधार के साथ पंजीकृत है। जब आप फिंगरप्रिंट का चयन करते हैं तो आपको अपने फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप आइरिस स्कैन का चयन करते हैं तो आपको अपनी आइरिस को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप चेहरा प्रमाणीकरण का चयन करते हैं तो आपको अपने चेहरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण आपके आधार की मदद से प्रमाणित होते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का ओटीपी चुनते हैं। अपना आधार नंबर दर्ज करें। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉप अप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इससे ध्यान से पढ़ें। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो इससे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर क्लिक करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। आधार ओटीपी दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण पर एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें कहा जाता है कि आपने स्वयं को परिवार के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है। कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़ें। अब आपको ईकेवाईसी पृष्ठ पर ले जाया जाता है। यह पेज आपका नाम, उम्र, लिंग, संबंध, योजना, अनुमोदन की स्थिति, आधार या वर्चुअल आईडी, परिवार आईडी, मोबाइल नंबर, सदस्य आईडी और पता प्रदर्शित करता है। अपना कार्ड बनाने के लिए आप अपना ईकेवाईसी, आधार का ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का ओटीपी चुनते हैं। अपना आधार नंबर दर्ज करें। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉप अप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इससे ध्यान से पढ़ें।
एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं, तो इसे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर क्लिक करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। आधार ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी की तस्वीर अनुभाग में अपनी छवि कैप्चर करें। यह इमेज आपकी आधार इमेज से मैच की जाएगी। तुलना विवरण अनुभाग में आपके स्रोत विवरण और आपके ईकेवाईसी विवरण को मिलाया जाएगा। आपके ईकेवाईसी को स्वत स्वीकृत करने के लिए आपका तुलना का स्तर 80% या उससे अधिक होना चाहिए। इसके बाद आपको अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की आवश्यकता है, तो यस का चयन करें। इस प्रदर्शन के लिए हमने नो का चयन किया है। अपने संबंध का चयन करें और अपने जन्म का वर्ष दर्ज करें। अपना पिन कोड दर्ज करें। पिन कोड डालने पर राज्य और जिले की फील्ड्स अपने आप भर जाती है। चुनें कि आप रूरल अथवा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, या फिर अर्बन अथवा शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। जब आप अर्बन का चयन करते हैं, तो आपको शहर या वार्ड दर्ज करना होगा। रूरल का चयन करने पर आपको उपजिला और गांव दर्ज करना होगा। इस प्रदर्शन के लिए रूरल का चयन किया गया है। इसके बाद अपने उपजिले का चयन करें और अंत में अपने गांव का चयन करें। सारी जानकारी भरने के बाद जमा करें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश प्रदर्शित करता है कि ईकेवाईसी पूरा हो गया है और आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड के लिए तैयार है। अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कार्ड लिंक पर टैप करें। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध पीडीएफ रीडर का उपयोग करके डाउनलोड किए गए कार्ड को खोल सकते हैं। आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान मोबाइल ऐप में डाउनलोड कार्ड टैब से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपने नाम के आगे वाले तीर या आरो पर क्लिक करें। एप्लीकेशन आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने, प्रिंट करने और साझा करने की अनुमति देता है। आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ईकेवाईसी करने और उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि अपना ईकेवाईसी कैसे करें और आयुष्मान एप्लीकेशन से अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करें।